कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों अभी हमारा डेलीगेशन हमारे साथ हमारे मित्र शुक्ला साहब, खुर्शीद साहब, अन्य लोग हमारे साथ हैं, विस्तृत रूप से चुनाव आयोग को बता के आए हैं 5-6 बिंदु इस अजीबोगरीब अत्यंत गंभीर वक्तव्य जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है लेट श्री राजीव गांधी के विषय में, एक पूर्व प्रधानमंत्री। भाषा इतनी भद्दी है कि दोहराने में हिचक होती है। हमने हिंदी में भी कोट किया है, अंग्रेजी में भी कोट किया है। नंबर 2, लगता है कि बोलने वाले को भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता परंपरा का कोई ध्यान नहीं है, परंपरा की कोई समझ नहीं है और सस्ती राजनीति के विषय में कुछ भी कभी भी कहीं भी कह सकते हैं। नंबर 3, ये वक्तव्य ऐसे आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से और कई बार सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष से, जैसे इस देश में न संविधान है, न चुनाव आयोग है, न आदर्श संहिता है। दिन प्रतिदिन हर कानून का घोर, करीब करीब बेशर्मी से उल्लंघन अगर आप कहें तो हमको मिल रहा है इन 2 व्यक्तियों द्वारा। नंबर 4, जो कहा है असंस्कारी, परंपरा के विरुद्ध, गैर कानूनी, उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति, कोई सिस्टम तथ्यों से अवगति नहीं कराता। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, वक्तव्य थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। ये अच्छे प्यारे शब्द कहे थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री उनके प्रीडिसेसर राजीव गांधी के विषय में। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि जब तथ्य इसके 180 डिग्री विपरीत है तो कैसे, क्या ऐसे प्रधानमंत्री उपयुक्त है हमारे देश में शासन करने के लिए या वोट मांगने के लिए? तथ्य क्या है, 4 फरवरी 2004 को उच्च न्यायालय दिल्ली ने निरस्त किया, क्वाश किया चार्जेस इसी राजीव गांधी के विरुद्ध, इसी फौजदारी मुकदमे के विषय में इन्हीं तथ्यों के आधार पर। तो एक तरफ तो क्वाश हो रहा है जो कई मायने में एक्विटल से भी ऊपर होता है, क्योंकि एक शुरुआत की स्टेज में माना जाता है कि वो केस आगे नहीं चल सकता, उसको क्वाश कहते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी नंबर 1, क्या हमारा देश कानून से चलता है, निर्णयों से चलता है या प्रधानमंत्री के कहने से? नंबर 5, ये निर्णय लगभग 14 वर्ष तक, मैं दोहरा रहा हूं, 14 वर्ष तक 4 फरवरी 2004 का निर्णय किसी ने अपील नहीं किया उच्चतम न्यायालय। मैं याद दिला दूं आपको कि इस दौरान लगभग 4 महीने शुरुआत में 2004 फरवरी से 2004 मई तक बीजेपी की सरकार थी। ये वही सरकार है जिसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बोफोर्स को अपना करियर बनाया है, जो एएसजी नियुक्त इसलिए हुए कि बोफोर्स उनको करना है, परसू करना है। उस वक्त के एएसजी श्री रोहतगी इसमें पेश हुए, लेकिन मई तक कोई याचिका नहीं गई उच्चतम न्यायालय। उसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आई जो आज इतने अपमान भरे शब्द कह रहे हैं। 2018 फरवरी तक ये मोदी जी वाली भी सशक 56 इंच वाली सरकार लुप्त थी, सुप्त थी, कोई अपील फाइल नहीं की। 4,500 दिनों बाद, यानी लगभग 14 वर्ष बाद, फरवरी में एक याचिका अपील फाइल हुई और वो उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दी 2 नवंबर 2018 में, यानी उच्चतम न्यायालय में भी वो खत्म हो गया। और अंतिम तथ्यों वाला बिंदु, इसके अतिरिक्त जो कुछ को कॉन्स्पिरेटर्स थे, उद्योगपति इत्यादि, उनके विषय में एक अलग निर्णय दिया उच्च न्यायालय दिल्ली ने 31 मई 2005 को, वहां भी उनके विरुद्ध भी चार्जशीट निरस्त कर दिए गए, उसकी अपील भी नहीं हुई
और अंततोगत्वा जाकर उसकी अपील 14 वर्ष बाद हुई, वो भी निरस्त हो गई इसी कॉमन ऑर्डर द्वारा, यानी 2 नवंबर 2018। तो अब आपसे पूछना चाहते हैं कि झूठ कौन है, फरेबी कौन है, मिथ्या प्रचार कौन करता है, आदर्श संहिता के हर शब्द को डिस्टॉर्ट कौन करता है, कानून को पूरी तरह से अनजाना करके भूल कर चुनाव आयोग को आंख दिखाकर कौन फंक्शन कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हमने तुरंत प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग में तुरंत प्रतिबंध मांगा है। हमने कहा है कि जो पुराना ये चुनाव आयोग की खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो पुराना मापदंड रहा है कि 32-35 दिन तक कोई निर्णय नहीं दिया चुनाव आयोग ने, हमने 11 कंप्लेंट्स इन दो महाशयों के विषय में की है। जब तक उच्चतम न्यायालय हम नहीं गए परसों, तब तक एक में भी निर्णय नहीं हुआ, हमारे पक्ष में तो छोड़िए हमारे विरुद्ध छोड़िए, निर्णय ही नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अब निर्णय हुए हैं, तो ये हालत इस याचिका की नहीं होनी चाहिए। चुनाव के लगभग 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, तुरंत ये प्रतिबंध लगना चाहिए, 24 घंटे के नोटिस के बाद 48 घंटे में निर्णय होना चाहिए। ये हमने विनम्रता से एक प्रार्थना की है चुनाव आयोग से। सर, आप लोग चुनाव कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, पर ये चुनाव आयोग लगातार क्लीन चिट दे रहा है अमित शाह को भी, प्रधानमंत्री को भी। वो आज कहा सिंघवी साहब ने उन लोगों के सामने, मुख्य चुनाव आयोग के दोनों सदस्यों से, कि जिस तरह से ये दोनों लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उससे गलत संदेश जा रहा पूरे देश में। आप बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हो गए राजीव गांधी, एक भी आरोप आज तक उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने पूरी तरह उन्हें बरी किया, और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि बिना कोई इस तरह का आरोप आप किसी खिलाफ लगा नहीं सकते, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री देश का बोल रहा गलत उनके बारे में। तो इसके लेकर अब चुनाव आयोग से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और उनको सारे दस्तावेज सौंपे हैं। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो लापता हो गए हैं, फरार हो गए। राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्मृति जी टेलीविजन खोले और देख ले उनका भाषण, इसलिए ना लापता है और ना फरार है। राहुल जी को अमेठी जाने की जरूरत नहीं, वो परसों अमेठी से लौटे हैं और वहाँ पे जो है राहुल गांधी का चुनाव, वहाँ की जनता लड़ रही है अमेठी की, स्मृति जी को जाने की जरूरत है क्योंकि वहाँ जनता को उनको कोई समर्थन नहीं है। राजीव गांधी ने इस देश को कंप्यूटर राजीव गांधी ने दिया, जो मोबाइल फोन हाथ में ये राजीव गांधी के दिए हुए हैं, पंचायती राज राजीव गांधी ने दिया इस देश को, और जवाहर रोजगार योजना राजीव गांधी के दिए, उन्होंने इतने काम किए देश की जनता के लिए और उनके लिए, और इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं बता सकते जो उन्होंने किया, उनके लिए ऐसे शब्द बोलना, पूरे देश में प्रधानमंत्री की इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही, जो उन्होंने राजीव गांधी को मरणोपरांत जो उन्होंने शब्द कहे हैं। I don't know the facts of this case, but let me be very clear. We condemn universally, unconditionally, unqualified any and every form of violence, and in particular, if journalists' crews are being attacked, there is no doubt but that it should be condemned by everyone in the strongest possible terms. Ultimately, be it West Bengal or the rest of the country, it is vital for the EC to exercise the strictest control over such situations and stricture the state government in case any culpability is found. And I think if you are from Newsex, you must take this thing immediately to the EC and the police forces. And I have no doubt that appropriate action will be taken, but it can of course only be by way of punishment ex post facto. धन्यवाद। थैंक यू। ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? प्लानिंग कमीशन क्या है? विधानसभा क्या है? आप लोग जो सब यहां बैठे हो, जिसको पंचायती राज कहते हैं, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो क्या हैं? हमारे प्रेस के मित्र हैं जो कभी कभी हमारे बारे में गलत लिख देते हैं, झूठ भी लिख देते हैं, मगर ये क्या है? ये सब हिंदुस्तान की आवाज है। इन सबको मिलाकर
सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।